नमस्कार शुभ सकाल ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना सहित मु शुभ्रांशु स्वागत करुच्छी बायोस को देखुं स्टोरी टाइम आरंभ करवा आज कहानी आज शिव चतुर्दशी महादेव दिन आज महाशिवरात्रि ये महाशिवरात्रि कहानी महाशिवरात्रि को लेकिन अनेक गुड़े आम पुराण वर्णना अच्छी स्कंद पुराण रे लिंग पुराण रे शिव महापुराण रे जो जो वर्णना मिले ता भीतर मुख्यतः दुईटी जिनिष बाहर के आसे शिवरात्रि को लेकिन सतकथा कहले तो प्रति मासरे शिवरात्रि आसे शिव चतुर्दशी को शिवरात्रि बोली ही कहा जाए किंतु ये जो फाल्गुन मासरे शिवरात्रि याठू बड़ी पवित्र आउ याठू बड़ विशेष दिन आउ नाही अनेक याकु शिव विवाह दिन कहुतला बेले प्रकृतरे ए शिवरात्रि देवदेव महादेवंकर शंकरंकर महारुद्रंकर महाकालंकर आविर्भावर दिन धरावतरणर दिन मनीष भली देवतांकर भी देहावसान घटे मृत्यु हुए केवल जणे जे ये जन्म आ मृत्युर चक्र बाहर सी हौचन शिवशंकर तांकरी प्राकट्यर दिन हेउची महाशिवरात्रि आसंतु श्रीवा सेई कहानी पुराण जुगर कथा दिने ब्रह्मा और विष्णु कौन सी कारणरु एक अज्ञात कारणरु परस्पर सहित तर्क वितर्क करिबा आरंभ कले ब्रह्मांकर पांचटी मुख ओह आपण कहिबे चारोटी मुख ना मु कहूँ से ब्रह्मांकर पांचटी मुख थिला पांचटी मुखरे ब्रह्मा विष्णु को कहिबा को लागिले मो सृष्टि मो स्रष्टा ए समग्र सृष्टि मु तयारी करिछि मु निर्माण करिछि यार प्रति कणारे मोर हस्तलिपि मो व्यतीत किछि संभव ही नुहे मु एमानंकु जन्म देछि एवं एमानंकर मृत्युर दिन मध्य मु ही धार्य करिछि मु विधाता तेणु मोठारु श्रेष्ठ केही नाही हसी देले नारायण कहिले ब्रह्मा प्रलय परे जेतेबेले मु शेष नागंक उपर अनंत शयनरे थिली सेतेबेले मोर नाभिरु गोटे पद्मजत हैला से पद्मरु तमे जन्म नहीं थिलो तेणु तमे मोठू श्रेष्ठ केमिति हेब प्रज्ञा प्रबृद्धता एवं चमत्कारितार उभय देवता आज परस्पर सहित तर्क वितर्क करिवारे लागिछन्ति परस्पर को आक्षेप करुछन्ति एवं निजकु श्रेष्ठ बोली प्रमाणित करिया पाई चेष्टा करुछन्ति हठात गोटे चमत्कार हैला उभयंक मध्यरे एक आलोक स्तंभ सृष्टि हैला पातालरु आकाश पर्यंत व्याप्त हो गला आलोक स्तंभ तार गारिमारे तार औजल्यतारे चतुर्दिग झटकुला ताकु चाहिबा बड़ कष्टकर थिला चमत्कृत हेले उभय देवता विस्मयरे तार तल और उपर को चाहिले ना तल देखा जाउथिला ना उपर उभयंक मध्यरे गोटे संधि हैला जणे उपरर मुंड खोजिया पई जीव एवं जणे जीव तलर अंतिम भाग को स्पर्श करिबा पई जिए प्रथमे फेरिबो से हेबो विजेता ब्रह्मा उपर को जीवा को स्थिर कले नारायण निम्नमुखी हेले से आलोक स्तंभ जहाँ जुगांत व्यापी थिला जार अजल्यता रे दिग्विदिग प्रकाशित होता ब्रह्मा तार ऊर्धमुख खोजिया पाई गले एवं नारायण चलले अधोगति रे ता तलकु तलर शेष बिंदु रे पहुंचिबा पाई अनेक जुग बीती गला ब्रह्मा हठात दिने देखिले जे उपरु गोटे सेवती फूल खसुची ताको हाथ रे धरिले पचारिले सेवती तू आसुचु केउठु सेवती कहिला ए जो आलोक स्तंभ देखा जाउची मु दिने यार शीर्ष रे थिली काही कोई युग पूर्वर मु ता शीर्ष रु खसी पड़ी एवं एपर्यंत खसी चली जानी केबे भूमि रे पहुंची ब्रह्मांक मुंडरे बुद्धिटी आसिला कुबुद्धि दुष्ट बुद्धि मायारे बसीभूत ब्रह्मा सेवती सहित गोटे संधि कले ताकु कहिले तू मो पई साक्षी देबु जे मु तते ए आलोक स्तंभर ऊपर नहीं आसी राजी हो गला सेवती सेवती को नहीं ब्रह्मा फेरिले भूपृष्ठ को कई युग पर भूपृष्ठ में पहुँचिले देखिले नारायण बसिंट
ब्रह्मा को देखी नारायण हाथ जोड़िले प्रति नमस्कार कले ब्रह्मा नारायण कहले हे वेदवर मु बहुत जुग धरी तलकु गली किंतु यार अंत पाइली ना आपण पाइले कि हसीदे ब्रह्मा कहले हाँ यार शीर्षक मु स्पर्श करी एवं सेठु ए सेवती को नहीं आसी सेवती मोर साक्षी नारायण पचारे सेवती यह सत्य कि सेवती हाँ कला हठात से आलोक स्तंभ सेठु उभई गला सेठी ठिया होते अजर अमर शिवशंकर देवंकर देव महादेव जहाँ मृत्यु ना जहाँ जन्म ना जहाँ आदि ना जहाँ अंत ना ब्रह्मलिंग कैलाश बसी जहाँ कहुए से प्रकटित हेले क्रोध जर्जरित शिव ब्रह्मा को कहले हे ब्रह्मा तुम्हें मिथ्यावादी भूल कौच एवं मिछ कौच तेणु आज ठार् तुम्हें अपूज्य हो तुमको धरापृष्ठ से कहीं पूजा करे ना से दिन ठार ब्रह्मा पूजा बंद हो गला समग्र भारत में केवल गोटे जगह पुष्कर क्षेत्र जोठार ब्रह्मा गोटे मात्र मंदिर अच्छी सेवती को अभिशाप दे शिव अनंत काल पर्यंत तू कौन पूजा भोग्य हो पारना सेवती फूल से दिन ठार् पूजा लगे ना यो घटना घटला ये घटना घटी शिव चतुर्दशी ताहा ही महाशिवरात्रि शिवंकर स्वरूप शिवंकर जो रूप आम देखु जटाजुट शरीर भस्म विलेपित शरीर गलारे मुंड माल नाग सापर माला एवं मस्तक गंगा ये जो रूप आम देखु ए रूप आज दिन प्रकटित होता तेणु आज दिन महान ए महान आउ गोटे कहानी कह अनेक दिन तलर कथा गोटे शबर भील जातिर जुवकटीए से शिकार करने जंगल भितर को गला अनेक बुलला भी ताको कौन सी शिकार मिल ना सन्ध्या आसुला तुषार आतुर शबर पाखर गोटे झरणु कई मुंडा जल पीला आश्रय नापी जगटे खोजुला जमती सूर्य बढ़िया आरंभ हेले सेमती जंगल जंतु मानकर गमनागमन भी आरंभ है हिंस्र जंतु मानकर रड़ी सुणा को लगला डरीगला शबरटी अनन्य पाय पाखे गोटे विशाल गच्छे चढ़ीगला कंटकित गच्छ कंटा सब देह फोड़गला रक्त झरुए टपाटप है प्राण विकल गलें बसी रही क्षुधा एवं भयरे आखिरी टोपाटोपा लुह गड़ूला काले निद हो भयरे गच्छर पत्र गोटे गोटे तोलुला और तल को पकोला एमती विनीत्र रजनी कटिगला रातिर चतुर्थ प्रहर सूर्य पूर्वाकाश में उदय होते तल को ओल्लैला शबर राति व्यतिकांत होता गच्छ तले जो पहुँचला विस्मय अभिभूत हो गला शबर छुआ देखिला तले जने सन्यासी ध्यानमग्न मुंडिया मारिला हसीदेले सन्यासी धीर गंभीर कंठरे कहिले बाबारे तू आज एक अंतत पवित्र काम करिछु पवित्र एथिपई जे जहाँ तू कलु ता हुए तो अनेक वर्ष धरी हो नथिला आपण किए पचारिला शबर हसीदेले ऋषि कहले मोर स्वरूप तो तू देखिपारू ना देखिले तू स्थिर हो रही पारू ना कि जान मु गच्छ तले अनेक वर्ष धरी अपूजा हो रही थी राति सारा तो आखिर प्रति बोहुवा प्रति लोह बिंदु मो देह पड़ूला जहाँ स्वतः जलाभिषेक करूला तो प्रति पत्र जो तोलिकी पकोलु ता मो उपरे पड़ूला एवं से प्रति पत्र संतुष्ट एवं तोर राति उजागर जगरर पुण्य देला मु देवदेव महादेव एतिकी कही अंतर्हित हेले ठाकुर से गच्छ तले शोभा पाउथिले ब्रह्मलिंग शिवंकर ज्योतिर्लिंग ये अनेक कथा जो गच्छर से शबर चढ़ीला एवं जो गच्छर पत्र तोली पकोथिला जानी नथिला शबर ना पूजा जना
ना आवाहन जना ना स्थापन जना ना पूजा जना ना समर्पण जना ना प्रणाम जना भय व्याकुल कांदुला लुह गड़ा निद न लग पत्र तोलिक पकोला किंतु आशुतोष से संतुष्ट हो गले ये हूँ शिवरात्रि महात्म्य। आज भारत प्रत्येक शिवालय लक्ष लक्ष सनातन धर्मी महादेव भक्त शैव ए दिन में उपवास रुहंती निर्जला उपवास रुहंती जलस्पर्श करती ना कि जन तो छिप मध्य भितर को निंती एवं निजर मनस्कामना पूर्ण करने जन्म मृत्युर चक्रु निजक रक्षा करने महादेव आराधना करती यहाँ शिवरात्रि एवं जो गचरु से पत्र तोड़ी पकोला से गछ हूँ आम कहानी आज नायक से गछटी हूँ गोटे बेल गछ फल भितर दुईट फल को श्रीफल आख्या दि जाए गोटे नड़िया नारिकेल कोकोनट अन्यटी बेल गछ बा बिल्व वृक्ष आज कहानी शीर्षक बिल्व वृक्ष आसतु जानवा ए गछ विषय आउ किसी तथ्य एवं ताकु देखिवा एवं चिन्हवाप चेष्टा करिवा। वर्तमान यार नामकरण देखिवा ओडिया रे याकु बेल गछ बोली कहा जाए हिंदी रे बेल संस्कृत रे बिल्व वृक्ष कहा जाउथवा बेले यार इंग्लिश ना बेंगल क्वींस एवं बॉटनिकल ना बा साइंटिफिक ना हला यार एगल मार्मालस। वर्तमान देखिवा यार फाइटोकेमिस्ट्री या भीतर जो कंपोनेंट्स मिले जो केमिकल कंपोनेंट्स मिले से गुड़ी का कौन जानिया पे चाहिबा यार फलर जो पल्प जो फलर रस ताको एनालाइज कले म्यूसिलेज पेक्टिन सुगर टैनिक एसिड आउ गोटे वोलाटाइल ऑयल या देहरे देखा जाए यार जो ओड आस गछटा को जालिला परे तार जो पाउंश मिले ता देहरे पोटासियम आउ सोडियम रो कंपाउंड्स फॉस्फेट ऑफ लाइम आयरन कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट आउ सिलिका मिले ये हला यार फाइटोकेमिस्ट्री यार भीतर जो केमिकल कंपोजिशन अछि तार विवरणी एबे देखिबा यार मेडिसिनल यूज माने यार कोन औषधीय गुण अछि बेला एंटीऑक्सीडेंट यार दिस इज एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल टू एंटीडायरियल इफेक्ट अछि गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव जो पाकयंत्र ताको बहुत सुरक्षा प्रदान करे एंटी अल्सरेटिव पाक प्रणाली भितर जो अल्सर हुए जो घा हुए ताको भल करिवारे सहाय्य करे एंटी डायबेटिक एंड कार्डियो प्रोटेक्टिव हृद प्रणाली को मध्य शक्ति प्रदान करे। यूसेज देखिबा व्यवहार देखिबा यार जो राइप फ्रूट जो पाचिला फल तार जो पल्प सेटा खरा दिने पणा भाव यूज हुए शरबत भाव यूज हुए एवं सनस्ट्रोक ये गोटे महौषधि भाई काम करे बेलर जो पल्प से टॉक्सिन अब्जर्व करथाय एंड एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट जो बैक्टीरियल डिजीज केस रे बा इंटेस्टाइन रे पैथोजेन इन्फेक्शन केस रे मध्य याकु यूज करा जाए। आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयारी रे विभिन्न प्रकार आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयारी रे याकु व्यवहार करा जाए चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता रे बिल्व गछ को बिल्व वृक्ष को श्रीफल भाव में अभिहित करा जाए यार विभिन्न प्रकार औषधीय गुण जो या भितर जो वोलाटाइल ऑयल कथा कहती सेटा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो थाए ताकु निवारण करिवारे ताकु ठीक करिवारे बहुत साहय करे बेलर आंटी इनफ्लामेटरी गुण थिबा जो जो जगह माड़ होता थाए दरज होता थाए पेन थाए इनफ्लामेशन थाए से आम यूज कर पारिबा। बेल गछर पत्र एवं महु ये दुईटी मनीष अमृत तुल्य कहुए प्रतिदिन तीनोटी बेलपत्र तीनोटी तुलसी पत्र एवं तीनोटी निंब पत्र सेवन करुथिबा मनीष को कौनसी प्रकार रोग व्याधि हो न था। एंटीऑक्सीडेंट सफिशिएंट थिबा जो ब्लड सुगर को कंट्रोल करे डायबिटिक को कंट्रोल करे तेणु ये सब दृष्टिकोण रु मुझे कहती फल भितर नड़िया को छाड़ी देले बेल हूँ एकमात्र फल जहाँ को स्त्री फल श्रेष्ठ फल भाव अभिहित करा जाएगी। ये थिला
ଆଜିର କାହାଣୀ ଏବଂ ବେଲବୃକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବିବରଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଗଛକୁ ଦେଖିବା, ଚିହ୍ନିବା, ୟାର ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ବହୁତ କମନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ପତ୍ରର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚଶାଖା ଏବଂ ଚତୁର୍ଶାଖା ଦେଖାଯାଏ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେମ୍ରୁ ତିନିଟା, ଚାରିଟା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ପତ୍ର ଥିବାର ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ସ ଦେଖାଉଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ଫଳକୁ ଇଜିଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିହେବ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ପତ୍ର, ତିନି ପତ୍ରବାଲା ପତ୍ର, ଚାରି ପତ୍ରବାଲା ପତ୍ର ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ପତ୍ରବାଲା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ବେଲ ଗଛକୁ, ଦେଖୁଥିଲେ ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷକୁ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜିର କାହାଣୀ ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନର ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହାଣୀ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ଡେଫିନେଟଲି କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।